Hello students, welcome you all to EduVentures Learning. Our today's question is very important and it comes in the long term question like 4-5 marks ke liye. So the question is, explain the process of nutrition in amoeba. Explain the process of nutrition in amoeba. So the answer is, the different processes involved in holozoic nutrition in amoeba are, amoeba jo hamare hain wo holozoic nutrition का प्रोसेस फॉलो अप करते हैं. तो कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जो कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं अमीबा के लिए. द फर्स्ट वन इज इंजेशन, खाना को अपनी बॉडी के अंदर लेना. इंजेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इनटू द बॉडी. बॉडी के अंदर फूड का जाना इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, ईदर बाई स्वेलोइंग और अब्जॉर्बिंग इट. या तो स्वेलो करके लेना या फिर अब्जॉर्ब करके लेना. अमीबा पुशेज आउट द सीडोपोडिया टू एनसर्कल द फूड, क्योंकि अमीबा के पास ह्यूमन बींग्स की तरह या एनिमल्स की तरह माउथ नहीं होता है फूड को इंसर्ट करने के लिए. तो उनके पास वो एक सीडोपोडिया क्रिएट करते हैं, एनसर्कल कर देते हैं फूड को अपने आसपास, फूड के आसपास, और फिर उसे अपने बॉडी के अंदर एनगल्फ कर लेते हैं. किस तरह से, सपोज ये हमारा अमीबा है, अमीबा का कोई शेप नहीं होता है, ये एक फूड है, फूड पार्टिकल है जिसे अमीबा को खाना है. तो अमीबा क्या करेगा, इसके आसपास एक सीडोपोडिया क्रिएट कर देगा इस तरह से, और फिर इन द नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, वो फूड अमीबा के अंदर आ गया. ठीक है, तो ये वाला क्रिएशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सीडोपोडिया क्रिएट करना, फूड के अराउंड पूरा इनसर्कल कर देना, फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल, जो कि फूड वैक्यूल क्रिएट करता है और फूड अमीबा के अंदर आ जाता है, अब्सॉर्ब कर लेता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज फैगोसाइटोसिस. इस प्रोसेस को हम लोग फैगोसाइटोसिस कहते हैं, जब फूड अमीबा के अंदर, बॉडी के अंदर आ जाता है. नाउ फूड तो अंदर आ गया, अब उसे डाइजेस्ट करने का काम है. तो द सेकेंड प्रोसेस इज डाइजेशन. डाइजेशन में क्या होता है, डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द इनसॉल्युबल एंड लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सॉल्युबल एंड माइन्यूट मॉलिक्यूल्स. डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि ये जो फूड हमारे अमीबा के अंदर आया था, ये बड़ा फूड था. ऑफकोर्स हमारे भी, हम लोग जो खाना खाते हैं वो भी हमारे बॉडी के अंदर भी जा करके बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन होता है और फिर डाइजेस्ट होता है. तो डाइजेशन में यही एक प्रोसेस होता है अमीबा में. सिमिलरली जो बड़े बड़े और इनसॉल्युबल लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो छोटे और सॉल्युबल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं. इन अमीबा द फूड वैक्यूल आर ट्रांसपोर्टेड डीपर इन टू द सेल. अमीबा में क्या होता है, जितने भी फूड वैक्यूल्स हैं वो बहुत डीपर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं सेल के, एंड विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स द लार्ज इनसॉल्युबल पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन टू द सिंपलेस्ट फॉर्म्स. हमारे बॉडी में क्या होता है कि हमारे पास तो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे टिश्यूज हैं, बट अमीबा तो सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है ना, उसका तो एक ही सेल सारा काम कर रहा होता है. तो ये जो फूड है अमीबा जो अब्सॉर्ब किया था, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है सेल के अंदर, जहाँ पे उसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स काम करते हैं, और छोटे छोटे पार्ट में जो लार्ज इनसॉल्युबल पार्टिकल्स है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं. नाउ ब्रेक डाउन तो हो गया, अब उसमें से न्यूट्रिशन अब्सॉर्प्शन का काम है. फूड अंदर आया, डाइजेस्ट हो गया, अब अब्सॉर्ब होगा. जो काम हमारे बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, वो अमीबा में कहाँ पे होता है. इन दिस प्रोसेस ऑफ अब्सॉर्प्शन द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल. इस प्रोसेस में, अब्सॉर्प्शन वाले प्रोसेस में, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो उसे डाइजेस्टेड फूड से मिलने थे, आर अब्सॉर्ब्ड इनटू द सेल्स साइटोप्लाज्म. सेल के साइटोप्लाज्म में वो सारा फूड अब्सॉर्ब हो जाता है बाय लीविंग बिहाइंड द अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स. उन सारी चीज़ों को छोड़कर जो डाइजेस्ट नहीं हुआ या फिर अमीबा के लिए वेस्टेज है, जो उसके जरूरत नहीं है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन. इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं, या डिफ्यूजन इन अमीबा भी कह सकते हैं. द एक्सेस फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड लिपिड्स. नाउ जितना उसे अब्सॉर्ब करना होता है, यूज में लेना होता है, उसी वक्त वो तो ले चुके होते हैं. जो एक्स्ट्रा फूड होती है, एक्सेस फूड होती है, वो स्टोर्ड हो जाती है ग्लाइकोजन के फॉर्म में और लिपिड्स के फॉर्म में.
जैसे हमारे बॉडी में ग्लूकोज और स्टार्च होता है, वैसे ही अमीबा के बॉडी में ग्लाइकोजन एंड लिपिड्स के फॉर्म में वो फूड, एक्सेस फूड स्टोर हो जाता है. नाउ द नेक्स्ट इज असिमिलेशन. व्हाट इज असिमिलेशन? असिमिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम द अब्सॉर्ब्ड फूड मॉलिक्यूल्स. नाउ खाना अंदर आया, डाइजेस्ट हुआ, अब्सॉर्ब हो गया. अब अब्सॉर्ब होने के बाद हमारे में तो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, जिससे कि जो फूड मॉलिक्यूल्स है या फिर जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होकर हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं. तो अमीबाज में होते हैं असिमिलेशन, ठीक है. इसमें भी सेम चीज़ है, ये जो फूड प्रोसेस होकर के जमा हुआ था उससे एनर्जी ऑब्टेन करनी है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसे एनर्जी चाहिए अपना लाइफ स्पैन पूरा बिताने के लिए और अपने एक्टिविटीज करने के लिए. तो इन अमीबा अब्सॉर्ब फूड मॉलिक्यूल्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस विद इन द सेल. तो ये जो अमीबा के अंदर अब्सॉर्ब फूड था उसको मॉलिक्यूल्स में चेंज करने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, ताकि अमीबाज अपने लाइफ की जितनी भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, प्रोसेसेस हैं, उन सब को कैरी आउट कर सके अपने पूरे के पूरे लाइफ स्पैन में. और ये सारी चीज़ें अमीबा के एक सेल से ही होती हैं. हमारे पास तो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं हमारे पास, जो कि बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस कर रहे होते हैं. पर अमीबा क्योंकि सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो अमीबा के अंदर ये सारी चीजें एक ही सेल कैरी आउट करता है. द नेक्स्ट इज एजेशन. अब्सॉर्प्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, फूड का इनटेक हो गया, एनर्जी में कन्वर्जन हो गया. अब जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कैसे बाहर आएगा? ह्यूमन बीइंग्स में हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सारा हमारा न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर लेते हैं. देन द रफेज कम्स टू लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ पे भी जो थोड़ी बहुत अब्सॉर्प्शन होनी होती है या फिर रफेज फॉर्मेशन होना होता है वो हो रहा होता है. एंड देन फाइनली इट कम्स टू एनस एंड कम्स आउट ऑफ द बॉडी. नाउ हमारे पास तो लार्ज इंटेस्टाइन और एनस है, पर अमीबास वो काम कैसे करते हैं वो देखते हैं. एजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल. एजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को हमारे बॉडी से एक्सक्रीट करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं. इन अमीबा दिस प्रोसेस इज कैरीड आउट बाय रप्चरिंग द सेल. अमीबाज ये काम सेल को रप्चर करके करते हैं, रप्चरिंग द सेल मेम्ब्रेन टू रिमूव द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल फ्रॉम इट्स बॉडी. रप्चरिंग का मतलब होता है कॉन्ट्रास्ट करना और फिर ब्रेक पुल आउट कर देना. पहले अमीबाज जो हैं वो अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट कर देते हैं, श्रिंक कर देते हैं, एंड देन इतनी ज़्यादा जोर से उसे एक्सपैंड करते हैं कि जितना भी ज़्यादा रफ मटेरियल होता है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है या फिर ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि उसके यूज़ की नहीं है, उसे अमीबा का जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, वो आउट कर देता है उसकी बॉडी से. थैंक यू.